चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं लहसुन और पुदीने की स्टार्टर चटनी। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। पुदीना, टमाटर, प्याज, देगी मिर्च, आमचूर, नमक, लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया। आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं अपनी चटनी। इसके लिए पहले हम अपने जार में डालेंगे 2 कटे हुए प्याज, ये हमें लंबे लंबे काट लेने हैं। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पुदीने की पत्तियाँ, थोड़ा सा हरा धनिया, ये हमने धोकर काट कर रख लेना है, मोटा मोटा ही हमने इसको काट लेना है। इसमें हम डालेंगे लहसुन, लहसुन की 1 पूरी गुच्छी हम डालेंगे मोटी वाली। इसमें हम डालेंगे हरी मिर्ची, 4 से 5 हम हरी मिर्ची डाल लेंगे। टमाटर डालेंगे इसमें, काट के हमने 2 टमाटर डाल लेने हैं, ऐसे हमने काट लेना है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, तकरीबन 1/2 चम्मच हम नमक का डालेंगे, या अपने स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। 1/3 स्पून देगी मिर्च और 1/3 स्पून ही हम डालेंगे इसमें अपना आमचूर। अब हम इसको बंद करेंगे और हमने इसको हल्का हल्का ऐसे पीस लेना है, बीच बीच में रुकते जाना है। और फिर ये हमने ज़्यादा नहीं पीसना है, इसको सिर्फ चॉप करना है। अब हम चेक कर लेंगे, एक बार हम और करेंगे। अब हम फिर से चेक करेंगे, ये हमारी जो चटनी है ये बन गई है। ये देखिए, हमने ऐसे ही इसको बनाना है। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये चटनी हमारी बन चुकी है, अब हम इसको अपने बोल में डालेंगे। ये हमको ऐसे मोटी ही रखनी है, ये बहुत ही स्टार्टर्स के साथ अच्छी लगती है। आप इसको पकौड़ों के साथ खा सकते हैं, ब्रेड रोल के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही स्वाद चटनी होती है। आप इसको मेरी रेसिपी से बनाइए और इसका मज़ा लीजिए। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।